एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग डिफरेंस है कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो वो मैं कभी पहले की नहीं हूँ और आई वांट टू ट्राई एंड टेक अ चांस कि कैसे होता है। मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ एक्चुअली। मैं ये बहुत दिन से ही सोच रही थी कि मैं तो मैं आज करने वाली हूँ मेरा आईब्रोज। सो मेरे आईब्रोज थोड़े बहुत है, ज़्यादा नहीं है बट है। तो जब थोड़े बहुत हेयर भी ग्रो हो जाते हैं ना, तो आईब्रोज के शेप जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट लुक आता है, थोड़ा डिफरेंट दिखता है। और जब क्लीन होता है तो वो डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट दिखते हैं। सो मेरे थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है बट है। मैं उसे आज सेव करने वाली हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो सेव करके मतलब कैसे मैं करती हूँ, या फिर यू नो लाइक कभी बाई चांस करना पड़े मुझे तो मैं एक बार एक्सपीरियंस की रही होंगी, तो यू नो लाइक फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कैन मेक श्योर कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सो मे बी ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सेव से क्या करने के लिए ये आईब्रो सेव का ही जिसे सेव करते हैं वो ये है। और ये ऐसे पतले छोटे सा है, इसका जो साइज है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा नुकीला है। और आपको अगर इससे बड़ा लोगे तो फिर वो क्या होगा ना कि आईब्रोज का सेप सही से बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसका जो ब्लेड है वही बड़ा होगा, तो फिर कंट्रोल पे नहीं आएंगे और ज़्यादा निकल जाएगा। सो ये लेना है। और दूसरे है ये एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपको पहले लगाने हैं फेस पे, उसके बाद फेस पे इन द सेंस लाइक आपको जहाँ पे भी करना है, तो मुझे आईब्रोज करना है, फ्लूएट करना है, तो मैं वहाँ पे पहले अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा ले लेती हूँ, और ये थोड़ा थिक होना चाहिए एलोवेरा जेल। इसके भी लगाने की रीज़न है, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि एलोवेरा हम इसलिए लगाते हैं ताकि मेरा स्किन डायरेक्ट सेव ना हो, स्किन ना निकले, इसलिए ये जो हमारा एलोवेरा है उसको कवर करते हैं ताकि मेरा स्किन का लेयर जो होता है, स्किन के पतली लेयर वो ना निकले। मुझे ये समझ में आता है एक्चुअली एलोवेरा क्यों लगाते हैं और क्यों लगाना ज़रूरी है। सो आपको इस तरह से पूरे थोड़े थिक लेयर लेके अप्लाई करने हैं। और इजी होते हैं जब आपके फेस पे एलोवेरा होते हैं ना, तो इजी वे होता है थोड़ा रिमूव करने के, आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगा लिया है और मेरे आईब्रोज का सेप कुछ इस तरीके से ही है। यूजुअली जिनके सेप होते हैं वो इजीली अपने आराम से ऐसे कर सकते हैं कि सेप इधर उधर ना हो। और मुझे लगता है एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। सो आपको अब एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे होंगे एक्चुअली ये सब, तो मैं इसे क्लीन करती हूँ। और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी सेव करने का। और ये मैं बहुत ही स्लोली धीरे से मैं कर रही थी सेव। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप आराम से इसे सेव करो, मतलब बहुत ही कूल चिल माइंड हो के आपको करनी है ये। अगर आप जल्दी में होंगे तो फिर ये नहीं हो सकता, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत रिस्की है। अगर ज़रा सा भी इधर से उधर हुआ तो ये मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर निकल जाएंगे। तो जैसे आपका सेफ है बस उसी सेप में आपको एक्स्ट्रा बाल सिर्फ क्लीन करने, और आपको आईब्रोज के सेप को ज़रा भी टच नहीं करने। आप आराम से धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा बाल दिखते हैं बस उसी को निकालो। और मैं आराम से, एक तो मेरा हो गया था, दूसरे मैं आईब्रोज कर रही थी और मैंने ये फर्स्ट टाइम किया एंड इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। बट थोड़ा सा मुझे कट हो गया था वहाँ पर, थोड़ा कट लग गया था बिकॉज वो उल्टे तरफ में पड़ते हैं हाथ, तो इसकी वजह से थोड़ा कट लग गया था। बट इट्स ओके, मैंने अच्छे से कर लिया था एंड इट वॉज़ नाइस नाइस एक्सपीरियंस। मैंने आईब्रोज थ्रेड भी किया, वैक्स भी की हूँ, और ये सेव मैं फर्स्ट टाइम की हूँ एंड इट वॉज़ नाइस। आप लोग ज़रूर ट्राई करना एक बार, बिकॉज बहुत टाइम ऐसे होते कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन नहीं होते कि मैं यू नो लाइक बाहर जाके करूं पार्लर में। सो आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो और इट्स नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे एक बार ट्राई करना। एंड ये फाइनली मेरा आईब्रोज यहाँ पे बन चुका है। सो कुछ इस तरीके से है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो और भी वीडियो पोस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।